जी अस्सलाम जी वालेकुम अबू हसन वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शेख कुर्बानी घर में कर रहे हैं दो बकरा, एक वालिद साहब मेरे अपने नाम कर रहे हैं और अपने घर वालों को शामिल कर रहे हैं, जी और दूसरा बकरा मैं करूँगा दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन। तो उसमें मैं अपने नाम में अपने घर वालों को शामिल कर सकता हूँ, अपने वालिद को और अपने वाइफ को, बेटे को, भाई बहन को। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा देखिए उस कुर्बानी के मालिक आप हैं, कुर्बानी आपकी तरफ से है। बाकी सवाब के अंदर आप अपने पूरे घर वालों को भी शामिल कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, यही बेहतरीन तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि अपने घर वालों को जी भी उसके सवाब में शामिल करें। लेकिन ये बात आपने जो एक बात कही कि मैं दूसरे तीसरे चौथे दिन करता हूँ, मेरी नसीहत आपको ये होगी कि आप पहले दिन करें, आप पहले दिन करें। क्योंकि जी जब आपके पास कोई अगर परेशानी नहीं है तो इबादत को जितनी जल्दी किया जाए वो उतना ज़्यादा अफजल होता है। ठीक है। तो अगर कोई और ऐसी पहला खारिजी मसलहत नहीं है तो जितनी जल्दी किया जाए उतना ज़्यादा अफजल है। तो मेरे वालिद साहब सब साथ ही में रहते हैं ना, सब पूरा एक ही फैमिली है, तो मेरे तो वालिद साहब क्या पहले दिन दिक्कत कर रहे है? हैं। हाँ? नहीं तो पहले दिन 10 बकरे अगर कर देंगे आप तो क्या परेशानी है? मान अच्छा, लीजिए किसी कोई नहीं दस नहीं कोई बकरा करना परेशानी नहीं है। है। सही है ना, पहले हाँ अजर ज्यादा मिल जाएगी, मनहर हाँ यमन आप बिल्कुल। अजर हाँ ज्यादा। सही कोई है। भी, आप ये उसूल याद रखें कि कोई भी इबादत जितनी जल्दी किया जाए उसका अजर उतना ज्यादा है। जी हाँ, तो सर एक से मैं पूछा था ये, तो वो बोले कि जो आपके मातहत हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके वालिद आपके मातहत नहीं है, तो आप वालिद को नहीं शामिल कर सकते हैं, आप अपने वाइफ अपने बच्चों को शामिल कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है क्या बिल्कुल नहीं। कहना आप दूसरों जी? को भी, जरूरी नहीं है कि आपके मातहत हों या आपके नानो नफका में आते हों, आप अपने दीगर घर वालों को भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा चलिए, जजाकल्ला खैर, बहुत बहुत बारक शुक्रिया, अल्लाह, बहुत बहुत भाई शुक्रिया जाकर फिर दुनिया। शेख। अगर कोई खास सिचुएशन हो, जैसे हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि भाई तीसरे चौथे दिन नहीं करना चाहिए, या चौथा दिन है ही नहीं कुर्बानी का, हाँ देखिए, तो अगर किसी का, ऐसी ये अकीदा है तो उस अकीदे पर आप रद्द करना चाहते हैं तो गोया कि एक मसलहत जी हुई, खास सिचुएशन हुई। और जी इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानी 4 दिन है। जो लोग जी इसकी जी मुखालफत करते हैं, बहुत ही अजीबो गरीब मामला है। 4 दिन तक कुर्बानी साबित है, पहले दिन को यानी यौमुन नहर और बाद में 3 अय्यामे तशरीक। अब अगर जी किसी बातिल अकीदे पर रद्द करने के लिए आप चौथे दिन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। गोया कि इस सुन्नत को आप जी जिंदा करना चाहते हैं। तो ये एक खास सिचुएशन की बात हुई, वरना अगर मुहैया है, मुतवफ़िर है, कोई परेशानी नहीं है तो जितना जल्दी मुमकिन हो करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जी कई जी सारे लोगों का क्या होता है कि मान लीजिए उनके पास 2 बकरे हैं, अब वो उनकी निगाह गोश्त पर इतनी ज़्यादा होती है कि जो कुर्बानी की फजीलत उसका अजर व सवाब है, निगाह उससे ओझल होने लगती है। जी पहले दिन एक करेंगे, उसके बाद खाएंगे, आखिरी दिन एक करेंगे, क्योंकि निगाह गोश्त पर है ना, जी निगाह कुर्बानी पर नहीं है, निगाह गोश्त खाने पर है। भाई कुर्बानी करोगे तो गोश्त ऑटोमेटिक आप खाओगे, इसलिए आप अपनी निगाह में उस गोश्त को पहले नंबर पर मत रखो। पहले नंबर पर है कि जी ये इबादत है, मैं इबादत कर रहा हूँ। अब ऐसे वक्त में करूँ कि मैं जितनी जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर बैठूँ, ये ज़्यादा जी बेहतर है। लेकिन अगर कोई ख़ास मसलहत है, जैसे मान लीजिए एक सूरत ये भी हो सकती है कि कोई ऐसे इलाके में रहता है, गांव देहात के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां गोश्त को इंतजाम से रखने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता है। अब मान लीजिए जी 2-3 बकरे उसको करने हैं, अगर पहले दिन उसने कर दिया तो गोश्त खराब होने लगेगा, जाये होने लगेगा। तो अब उसके पास एक गोया की उज्र है कि तब तक जो है एक बकरे का गोश्त ठिकाने लगा दिया जाए, उसके बाद दूसरे को किया जाए जी ताकि गोश्त जाये ना हो। लेकिन शहरों में तो ये जी परेशानी नहीं होती, आप जो है गोश्त को आराम से फ्रीज कर सकते हैं। जी सही बात है, जजाकल्लाह खैर।